हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं मनी मिराज, मेरे साथ कैमरामैन शशि यादव के साथ। बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, उस मुजफ्फरपुर ज़िले में एक गांव है, बहुत प्यारा गांव, जिनका नाम है गरखा। तो हम पहुंच चुके हैं इस गांव में और यहां के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। और कई पार्टियों के नेता आते हैं और एक झूठा वादा करके चले जाते हैं। हो गया सर जी, एक बार फिर से बुदबुदाएल ना जाओ। काहे हम देखबे ना कहीं कोहा तनी काहे करिया करिया बताई बन उड़लक आवल ना जाओ। काहे के लिए आते हैं? झाट उगाने के लिए आते हैं। देखो कैमरा नहीं हो रहा आपसे, आप बतियाइएगा, आ कैमरामैन बनिएगा। सुनिए ना, तो मुंह संभाल के बात कीजिए, समझे? बोलने वाले का लूर नहीं है, रिपोर्टर बन गए हैं। कैमरा वाला तो पटा पटा के चल जाएंगे, इतन का नहीं खुला तो कथी हो गया, खुलता गया। हमारा अपने खेतों से हम कमा लेते हैं, बुला के लें प्यार से हालांकि करिया रहे हैं। अच्छा चलिए, आप गुस्साइए मत, चलिए फिर से कैमरा कीजिए, फिर से लेते हैं क्लिप। आइए आइए, उठाइए कैमरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ मनी मिराज, कैमरामैन शशि यादव के साथ। बिहार के एक मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिस ज़िले में एक गांव है, बहुत प्यारा गांव गरखा। इस गांव का हालात आप लोग देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़राब है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात कराते हैं। तो कैमरामैन आप फोकस कीजिए लगातार इस भाई पर। तो भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसी गाँव के हैं? थोड़ा बुझा नहीं रहा है। नहीं मतलब बुझा रहा है, मतलब आपसे पूछे हैं कि आप इसी गाँव से हैं। हाँ। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ डायरेक्ट, है ना? तो कई पार्टियों के नेता आते हैं और आपके गांव में बहुत सारे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ और यहां सिर्फ मरई है, एक छत नहीं आप लोगों के पास। तो सीधा सवाल सरकार से है, ये सरकार है, आप सवाल कीजिए सरकार से। अरे क्या हुआ भाई साहब, बोलिए सरकार को कुछ। अच्छा साला ये बस सरकार, अच्छा तो तुम्हें बड़े सरकार कार्यशाला भोटोले ले लो इसका मकान कर ले। अब भाई साहब, अरे सरकार थोड़ी है, अरे तो कैमरामैन है, आप इसमें बोलिए कैमरा में, सरकार तक पहुंचेगी, सीधे बोलिए कैमरा में। हेलो 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 सर, हाँ बोलिए। अरे बाबा भाई साहब, अरे कैमरा कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो बोला है सब बोलिए, यहाँ पे सरकार सुन लेगी आपकी बात। हाँ हमारा गधा समझ ले बारा, जो बोल के फंसे जाई। अरे भाई साहब, आपको जो बोला है बोलिए, सरकार सुन लेगी, आपका काम करेगी, सुनेगी तो। जब अगला आदमी बोले तब ना बोलेंगे। अरे अगला कुछ नहीं बोलेगा, जो बोला है आपको बोलना है। ओ चौथू समझ ले बारा, हम बोल के फंस जाई, बिहान वाला सरकार आई गार में बांस करके ले जाई जेल, तेलैया करी तो तू आई बचावे लबरई के बाजार के ले बारा। अरे भाई साहब, आप सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप वोटर है, आप वोट दिए सरकार को, बोलिए। हमको कुछ नहीं बोलना है, हम गरीब आदमी है, सब सरकार जिंदाबाद है, जाइए यहाँ से। ओ सर चलिए यहाँ से, कथी ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं, ये सब खाली मीट भात खाने के फेर में रहता है। चलिए कथी पूछते हैं बहुमास आदमी से, सरकार बोले हैं तो हमको मारने लगा है, बताइए। हाथे मार रहा था तो ठीक है, कहीं लतियाने लगता हमको तब। अरे शशि जी, हम तो बोले हैं सरकार से पूछिए, कैमरा को बोले हैं, हमको क्या पता है कि आपको मारने लगेगा, चलिए आगे। तो ये रहा गारखा, यहाँ के लोगों को मैं बात समझाया लेकिन समझ नहीं पाए, सरकार का नाम लेते ही सरकार पर टूट पड़े, यानी कि समझ लीजिए अगर सरकार होती सामने तो उसको क्या करते मैं नहीं जानता, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ का काम देखकर आप लोग बता सकते हैं, कैमरामैन कैमरा घुमाइए थोड़ा, यहाँ का आप लोग हालात देख लीजिए, एक भी ईटा का घर नहीं है, सब टाटी में रही है। कैमरामैन शशि यादव के साथ मनी मिराज, मुजफ्फरपुर बिहार। हेलो नमस्कार, आदाब सलाम, फिर से आप सबको कल तक भोजपुरी में स्वागत है। हम गारखा से सीधे वैशाली जिला के एक भोसरीपुर में पहुंच चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोसरी वाले चाचा, और भोसरी वाले चाचा से सीधा सवाल रहेगा चुनाव पे और सरकार के कामकाज पे। तो भोसरी वाले चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे हम। झींगा सहनी। बहुत अच्छे झींगा सहनी जी, चलिए सीधा सरकार के कामकाज पे बात करते हैं। कैमरामैन चलिए झींगा सहनी पे कैमरा का फोकस लगाइए। और झींगा सहनी जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपके मोहल्ले में नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं नहीं लगा है। अरे आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं झींगा सहनी जी, हम तो पूरे रास्ता में देखते हैं कि नल जल का पूरा काम हुआ है, नल लगा हुआ है। लगने से होगा कि नल में जल चाहिए? नहीं जल मिलना चाहिए भाई, आपको जल नहीं मिलता बराबर? नहीं नहीं मिलता है जल। चलिए कहाँ मिलता है, चलिए आपको हम दिखाते हैं, पानी अभी नहीं करता है नल में, 5 मिनट आता है 24 घंटा में, तो लेटरिन करने जाते हो तो छिछिरिया करने का नौबत आ जाता है। तो ये है भोसरीपुर का हाल, नल जल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है, है ना? हाँ जैसे ही धोने जाते हैं पानी भाग जाता है। अरे चाचा आप दारू पिए हुए हैं? हाँ पिए हैं। अरे लेकिन बिहार में तो दारू बंद है, आप कैसे पिए हुए हैं? आप थोड़ी ना, हम व्यवस्था कर लेते हैं। कौन बेचता है दारू बताइए, अभी उसको हम टेलवाते हैं। काहे पे टाइम ले, उसका भी घर परिवार है, थोड़ी ना आप अपना काम कीजिए, हम पी लेते हैं ना बस। तो ये है झींगा सहनी, ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से दारू जुगाड़ कर लेते हैं, आखिर ये दारू कौन बेच रहा है, कौन है दारू माफिया,
लगातार फोकस कीजिए कैमरामैन, इसी बात पर चर्चा होगी आज। सर सुनिए ना सर, जब से दरुआ वाला बतवा पे स्टार्ट किए हैं तभी सर कैमरा का बैटरिया बैठ गया था। हम बीच में सर आपको नहीं बोले हैं कि आपको खराब वराब लग जाएगा कहीं। अब इसमें खराब लगने वाला कौन बात था, चुतिया है क्या आप? आए कितना बढ़िया व्यवस्था वगैरह लगा चाचा के टेलावे के। सर दूसरा बैटरी लगा लेते हैं, दूसरा बैटरी लगा लेते हैं। फिर से एक बार पूछिए ना झींगा सहनी जी, आप जो दारू पर बात बोले थे आप फिर से बोल सकते हैं? बाप का नौकर है क्या आपका? एक ही बात का 10 बार रोटा क्या? नहीं बोलेंगे हम एक ही बात बोलते हैं। जाइए मुठेले रहा कैमरा के। कौन ये साले, तो ऐसे को झाट ना उखड़ी साले पापा। ये वो ही देना रही तो साले पकला गुरा लगे मर जाबो। बहुत होगा सर जी। चलो नहीं ना सर, लड़झा टाइले तो बोलिए रहे हैं लेकिन सर एक पैसा कमाने वाला हम एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। दिखाएं? दिखाओ तो भाई। देखिए एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है ओलंपी, ओलंपी ट्रेड। सर इसमें आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ा बड़ा कंपनी में, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, अमेजोन और बहुत सारा कंपनी। अच्छा हाँ, और भी बताते रहे। इधर सर आपको सिंपल इंटरफेस मिलेगा और एप्लीकेशन का यहाँ आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल भी मिलेगा। अच्छा हाँ, और इधर आप 24/7 सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो सर रजिस्टर कीजिए ओलंपी ट्रेड पे और मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको मिलेगा $10,000 का डेमो अकाउंट भी। इधर सर आपको बहुत सारा गिफ्ट भी मिलेगा, तो रजिस्टर कर लीजिए और आप लोग भी रजिस्टर कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन किया गया उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग भी ट्रेड कीजिए। बड़ा बढ़िया एप्लीकेशन बारे, बहुत बढ़िया है साला। कैमरा चलाओ ले, इतना जानकारी कहाँ से रख ले बारे रे? तो ये कैमरा चलाते हैं तो इसका मतलब आप हमको गंवार समझते हैं का ना साला? तेज बारे थोड़ा सा ना तेज बनी। चल ऑटो पकड़ के चल जल्दी। तो दोस्तों फिर से एक बार पहुँच चुके हैं लालटेनगंज। ये वही लालटेनगंज है जहाँ पे एक गाना बना था लालटेन वाला। ये बिहार का एक मोतिहारी जिला में पड़ता है। यहाँ का लोग वर्षों से लालटेन जला रहे हैं और आज भी लालटेन जलाते हैं। तो चलिए सीधे सरकार के कामकाज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर विकास रोता नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक विकास हुआ है, यहाँ पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूँगा कि आप पोल पर फोकस करें ऊपर। तो देखा आप लोगों ने, ई हमनी के बिहार जहाँ पर बिजली के खंभा लागल बा लेकिन तार नहीं खे लागल। तो काथी जरी लमटेन डिबिया मटिया तेल डाल के। अरे सर एगो लड़का हुए खड़ा बा, पूछने लियो कि पुलवा कहिया हलर लखा ना, तो काल परसों में कहीं हलर हुई तो रउआ टेला जाए। अब वो एने आओ तो कहाँ घर हो? ओ दवा ओ चलो से छोड़। हाई खामो कहिया हलर लई? हमरा अभी पापा का ब्याह का पहले हलर लई। पापा के ब्याह से पहले ही? हाँ। ओ तो बहुत दिन हो गया ना। हाँ। ठीक बा जा। तो रउआ लोग सुनिए ना, ननकी छौड़ा का लख ओकरा पापा के शादी से पहले ही, यानी कि उछावड़ा रहा था 6-7 साल के। छः सात साल का लड़का था सर, वो नहीं था ना तो 10-12 साल का लड़का था समझे। और यहाँ का लड़का सब ना खाता सर बहुत है, अब बढ़ता ही नहीं है, गुलठिया आ जाता है। आ उससे अभी तनका देर और पूछते ना तो मालूम चलता है कि वो छोटका लड़का हुआ कि 2-3 गो अभी लड़का है। काथी दोगला ही बतिया तरह शशि जी, तनका कम दोगला ही बतिया ना, वो लड़का के अभी लड़का हुई कौन है? अभी ओकर नूनू तो अभी छीमी लेखन हुई, छीमी लेखन। काम कर बड़े काम कर, कैमरा चालू कर। ठीक है सर। तो आप लोगों ने देखा कि ये खामा जो है 10-12 साल से लगा हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर काम हो और कैमरामैन से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि चलिए सीधा फोकस रोड पे कीजिए। चलिए लगातार दिखाते रहिए, आइए सीधे आइए। वाह रे भाई, ये है लालटेनगंज का रोड। क्या रोड है शशि जी, बढ़िया से आराम से। शशि जी नीचे देख के चलिएगा। अरे बाप रे बाप, ये बताइए ये साला रोड है, आए ऐसा पूरा ईंटा उखड़ल है। दिखाइए रोड का, दिखाइए पर्दाफाश कीजिए सरकार के काम काज का। साला ये रोड है, हाँ इसमें राही बोटो ही चलता है, गिरेगा तो साला मुंह के साथ साथ साला गारो फाटेगा। और वहाँ पे चाचा दिख रहे हैं, चलिए विकास के बारे में बात करते हैं। चाचा नमस्कार, कल तक भोजपुरी में आपका स्वागत है। खूब खुशी रहा। अब चाचा आप इसी गांव से हैं? हाँ यही गांव के बानी, का कॉल चाहता नी? अरे कहने का मतलब है कि हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। जब हम आपके गांव में पहुंचे तो आपके गांव का रोड का हालात बहुत खराब है और सरकार बोली थी कि आपके गांव में काम हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में विकास आया था? ना ये सब फेर फेर में हम ना रहले, हमरा माल जल बा बकरी पठरू बा के आयल ना आयल उससे हमरा कोनो मतलब ना रहले। हम अपने पढ़े दीपर हॉस्पिटल से अइनी हा,
हमारा सरोजिन का ऑपरेशन होलक विकास कब आवले कब जाले वो सब फेरफार में हम ना रही। अरे चाचा विकास के मतलब रउर गांव में सरकारी काम काज भइल बा। ए हट हट एगो गांव में हमारे नहीं के गांव में आरो लोग बा, जाके आरो लोग से पूछ हमारा भैंसी लेने के टाइम हो गया बा। आप इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से है, बोलिए कथी बोलना है। कौन क्लास में पढ़ते हैं? बंडी क्लास 8 कुमार में पढ़ते हैं। आए 8 कुमार छोड़ी सर, बंटी कुमार 8 क्लास में पढ़ते हैं सरकारी। अच्छा बंटी कुमार 8 क्लास में पढ़ते हैं, चलो बहुत अच्छा। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बैगन सर, यही फेवरेट है, आलू मटर फेट के खाते हैं। रे माधर चट्टा साला, सब्जेक्ट यानी विषय विषय कौन सा विषय है तुम्हारा? ओ जा सर, जोड़ घटाओ गुणा भाग कर लेते हैं। विषय पूछ रहे थे जोड़ घटाओ गुणा भाग। अरे हिंदी है कि इंग्लिश है कि साइंस है? हाँ सर ये तीनों में से कौनो है, आप इंग्लिश मान लीजिए। पढ़ाई तुम्हारा बाप का बबौती है कि मान ले, हट उन्हें झाट उघाड़ेगा। कितना क्लास में पढ़ता है? हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा क्या है ये दाचियार रहा है। बाबू तुम कितने क्लास में पढ़ते हो? हम ना पढ़ी ले कहले पढ़ी। अरे पढ़ेगा तो तुम्हारा बाप मदारी का नाम रोशन होगा। हमें रोशन करेगा नहीं थे। के गरिया दी का हो ना गरिया हो, फालतू लड़का सभी कथी गरिया ही है। अच्छा बंटी क्लास 8 कुमार इधर स्कूल किधर है? चलिए पासे में है, दिखाते हैं। चलिए चलिए भैया, ये स्कूल वा है, इसी में ना हम पढ़ते हैं, सब लड़का इसी में ना पढ़ता है। आज हमको मलजारी हो गया ना तो पापा के गोर पर चुरुक गया है, तो पापा माना कि ये नहीं जाओ तो नहीं गए है। अब जाइए हम गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं। साला बड़ी खुश है नहीं जाकर। मार करोगे मार मार। आई हो दादा, ये क्या हो रहा है? वो मार हो रहा है सर, लड़का सब में नहीं देख रहे हैं। अब मास्टर कहाँ है? हेलो क्या करो दादा? कुछ नहीं बस माल से बतिया रहे ना जी। आ ऊ छोड़िए ना, हाउ देखिए ना, हाउ मालिश हो रहा है उनका। घुसल जाओ, घुसिए ना, चलिए ना, गाड़ पड़िए ना, हम कैमरा टान रहे हैं। आइए तो हम पहुंच चुके हैं लालटेनगंज के मिडिल स्कूल में। यहाँ पे देखिए लड़का सब उधर लारा पीटी कर रहा है, आई मास्टर देखिए यहाँ पे मालिश करवा रहे हैं। ओ मास्टर जी कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? उधर लड़का सब देखिए तो मारपीट कर रहा है, आप यहाँ मालिश करवा रहे हैं। आज थोड़ा कैमरा उधर घुमाइए, कैमरा मैन थोड़ा हाई मास्टर जी को दिखाइए। माल से बतिया रहे हैं? हाँ। नाम का थी है? शहनाज। माल का नाम नहीं, अपना नाम बताइए। सैफुल सैफ। दूगो नाम है आपका? हाँ। तो मालो दूगो होगा ना, बहुते है, चाहिए क्या? मुंह में कैला घुसे रहे हैं, हटाइए। ध्यान से देखिए पखंडी मास्टर को किस तरह मैडम से बतिया रहे थे। हम बोले किससे बात कर रहे थे? माल से, चाहिए का? बेशर्मी की हद होती है, ऐसे मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, कल तक भोजपुरी। बने रहिए मनी मेरा जीपीटर के साथ, आगे दिखाइए कैमरा में सस यादव। सबसे पहले हम नौकर चाकर से पूछते हैं, कथी है आप? आदमी है तो हम देख रहे हैं, हम काम बोले करिए पैसा है आप है कथी? स्कूल का एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, साइड होइए। आप कथी है? मास्टर है। कौन मास्टर? पढ़ाते हैं हम, इस स्कूल के हेडमास्टर है। तो हेडमास्टर है पढ़ाने के लिए, बोले क्या भविष्य खराब कर रहे हैं? किस बात की पगार लेते हैं आप सरकार से? टाइम से स्कूल खोलते हैं बंद करते हैं इसी बात का पैसा लेते हैं। लड़का आई तहियो बाबा, ना आई तहियो बाबा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कोनो हमर प्राइवेट नौकरी बा, सरकारी नौकरी न बा, सरकारी महीनवा के हिसाब से रोकाय वाला बा, आओ तब चाहे ना आओ तब। ध्यान से देखिए हेडमास्टर को किस तरह सरकारी नौकरी का घमंड दिखा रहे हैं, यही तो फायदा होता है सरकारी नौकरी का। लड़का भले करिए लुहाट हो लेकिन बिहारू गोर बुरा चाहिए। ये बात सर आप बिल्कुल सही बोले हैं, इसके लिए हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सब सरकारी नौकरी वाला का यही हाल है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी सर, हाथी लगने को करिया लड़का था, उसके पास सरकारी नौकरी था, उससे उसका ब्याह हो गया और मेरे में क्या कमी था सर, देखिए तो एक बार। रे साला तू कैमरा करिया बैठे के प्रेम कथा सुना रे, कैमरा लगाओ साला। जैसे हेडमास्टर को देख लीजिए, देखने में 35 साल के है और घर में मेहरू जाकर देखिएगा तो 15-16 साल की होगी, कचनार। तो चलिए स्कूल के बच्चों से बात करते हैं क्योंकि मास्टर पूरा बहुमास है, पैसा देकर घूस देकर नौकरी लिया हुआ है। पैसा लौटान, चल मालिश कर। तो बाबू तुहर नाम का बा? धनु। कितना क्लास में पढ़ल? तीसरा क्लास में। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री के नाम मालूम बा? नहीं के मालूम? तो बाबू तुहर नाम का बा? ऋतिक। ऋतिक
अच्छा कितना क्लास से पढ़ल? तीसरा। तीसरा में? अच्छा हेडमास्टर के नाम पता बा तोरा? मालूम बा लेकिन ना बता। और नामो नहीं जानत सरवा। आप कुछ बोलेंगे स्कूल के बारे में? हमको नाम रंजन है, हम बहुत खर्चा लड़का है। ये कथी कर ये साल? तो आप लोगों ने देखा यहाँ के स्कूल का कितना घटिया स्थिति है। हेलो भाई साहब, आप कौन है? यहाँ के टीचर। टीचर है आप जी? तो आप कुछ बोलेंगे यहाँ के घटिया पढ़ाई के बारे में? ए हट हट पैखाना लगा। का उपाय हो को एकर, ये तो साला नौकरीये खा जाए। तो आप लोगों ने देखा स्कूल के साथ साथ यहाँ का टीचर भी घटिया है, बात करने का तमीज नहीं है, हगास लगल है। सर पकड़िए साला को, बहुत बोल रहा है, चलिए। तो मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाहूंगा कि यहाँ के टीचर को बदला जाए और आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए। चल। पैसा काम में, चलो डॉक्टर के पास माथा के सीटी स्कैन कराएंगे। सर जी गोरवों का करा लीजिएगा, बड़ी हमजा हमजा के मारा कहीं फाट गया है, बोचल है।